एकलव्य की बात को क्यों प्रचारित किया जाता है बार बार? शूद्र जाति का था, नीच जाति का था, उसको ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने क्षत्रियों के उसके लिए उसका अंगूठा काट लिया। हाय हाय हाय, कितना अत्याचार, शूद्रों पर कितना अत्याचार, अंगूठा काट लिया, अंगूठा काट लिया, अंगूठा काट लिया। और कोई महाभारत उठाकर पढ़ने का कष्ट नहीं करता। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि इसने मेरी मूर्ति सामने रख करके धनुर्विद्या में इतनी कला, इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है, अद्भुत, अर्जुन से और कर्ण से भी ज्यादा चमत्कार, तो द्रोणाचार्य ने सिर्फ एकलव्य से इतना कहा कि मेरे पुत्र, तुम्हारी इस साधना को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, इससे भी ज्यादा अपनी साधना को बढ़ाओ, विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो जाओ, पर एक गुरु दक्षिणा दो, मुझे गुरु मानते हो ना, तो एक गुरु दक्षिणा दो। कि वो भाप रहे थे कि इन राजकुमारों में आगे जाकर युद्ध होगा, ये वैमनस्य आगे जा रहा है, दुर्योधन बड़ा अहंकारी है, ये ईमानदार भी नहीं है, धृतराष्ट्र इसके मोह में है, और ये राजाओं के बीच, इन राजकुमारों के बीच युद्ध होगा, राजसत्ता का संघर्ष। द्रोणाचार्य चूंकि महल में ही रहते थे, राजकुमारों को सिखाते थे, उन्हें सारी राजनीतिक बदलती हुई परिस्थितियों का आभास था। तो द्रोणाचार्य ने उसे कहा कि मेरे पुत्र, मुझे एक गुरुदक्षिणा दो, और वो ये कि जब इन दोनों राजकुमारों के गुटों में युद्ध होगा, तब तुम किसी भी पक्ष की ओर से नहीं लड़ोगे। और एकलव्य तो इस इंतजार में था कि कोई बड़ा युद्ध हो, हरेक योद्धा या खिलाड़ी ये चाहता है ना कि मुझे ओलंपिक में या किसी बड़े उसमें प्रदर्शन करने का मौका मिले, यही तो बात है ना। तो एकलव्य कहता है कि गुरुदेव, आपने तो मुझसे मेरा वो ही छीन लिया, ऐसे जैसे कि आपने मेरे अंगूठे ही काट लिए हो, ऐसे कि जैसे, ऐसा नहीं कि काट ही लिया है अंगूठा। ये एक आलंकारिक कथन होता है कविता में, साहित्य में आलंकारिक ढंग से, इडियोमेटिक ढंग से, कहावत के रूप में ये बात कही जाती है, जैसे कि आपने मेरा अंगूठा ही काट लिया। आपको अपने प्राचीन इतिहास में ऐसे बहुत सारे आलंकारिक वर्णन मिल जाएंगे, जिनकी गहराई में जाकर उनके तथ्य तलाशने पड़ते हैं, वो फैक्ट नहीं होते, ट्रुथ होते हैं। फैक्ट और ट्रुथ में अंतर है, हमेशा कोई बात फैक्ट भी हो और ट्रुथ भी हो, ऐसा नहीं होता है। साहित्य में हमेशा फैक्ट और ट्रुथ टकराते रहते हैं, और तब पृथ को आलंकारिक ढंग से कहना पड़ता है, और वो फैक्ट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की उंगली पर पहाड़ उठाया था, ये फैक्ट है, ट्रुथ, तथ्य है कि सत्य, सत्य है पर तथ्य नहीं है। इसके पीछे अब चूंकि मैं ट्रैक से हट जाऊंगा, इसलिए इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा। ये फैक्ट नहीं है लेकिन सत्य है। जैसे आइंस्टाइन ने अपनी पत्नी मिलोवा को कहा कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो, बताइए सत्य है कि तथ्य, फैक्ट है या ट्रुथ? फैक्ट तो नहीं है। आइंस्टाइन बड़े मैथमेटिशियन है, बड़े साइंटिस्ट हैं, क्या उन्होंने सारी दुनिया की स्त्रियों की नाप तौल करके, मेजरमेंट करके ये फैसला किया है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो? ऐसा तो नहीं है। पर क्या आइंस्टाइन झूठ बोल रहे हैं? झूठ भी नहीं है, क्योंकि प्रेम के गहरे क्षणों में किसी भी पति को अपनी पत्नी सबसे सुंदर लग रही है, यह सत्य है, लगनी चाहिए, यह सत्य है, पर तथ्य नहीं है। तो आलंकारिक वर्णन होते हैं साहित्य में, और वो सत्य होते हैं, पर तथ्य उनमें मत तलाशिए। अंगूठा काट लिया है, उस समय क्या जातिवाद था? उस समय किसी राजा को वोट चाहिए थे, किसी शूद्र जाति के या ऊंची जाति के, से कोई लेना देना नहीं है। शंभूक को मार दिया, उत्तर प्रदेश में जाइए, मायावती की पार्टी की ओर से नारे लिखे हुए, राम नहीं हत्यारा है, शंभूक ऋषि को मारा है। अरे एक तरफ तो आप कहते हो कि शंभूक शूद्र जाति का था, उसको राम ने मार दिया, हाय हाय कितना अत्याचार शूद्रों पर। दूसरी तरफ फिर आप इस माइथोलॉजी को रिजेक्ट भी करते हो, शंभूक को क्यों मारा? क्योंकि शंभूक तपस्या कर रहा था, और उस तपस्या से इंद्र का आसन डोल उठा, अरे एक दिन तो ये मेरे आसन पर अधिकार कर लेगा तपस्या के द्वारा। तो इंद्र ने राम को कहा कि शंभू को मार दो। अच्छा, आप या तो फिर आप इंद्र मानिए, देवता मानिए, अप्सराएं मानिए, और ये सारी मैथोलॉजी को सत्य मानिए, वो तो आप रिजेक्ट करते हो। एक तरफ तो आप कहते हो राम हुए ही नहीं, राम तो कोई हिस्टोरिकल आदमी है ही नहीं, वो तो कहानी है, और उसके बाद दूसरी तरफ आप ये कहते हो शंभू को मार दिया, हाय हाय बड़ा अत्याचार कर दिया। कैसी धूर्तता चल रही है। तो
आपके इतिहास के प्रति एक घृणा पैदा हो जाए, कम से कम शूद्र या ओबीसी माने जाने वाले लोग अपने उस इतिहास की परंपरा से कट जाएं, तब उनको अगर अपने में वो कन्वर्ट ना भी कर सके वो विदेशी षड्यंत्रकारी, तो भी इस देश में, इस देश के बहुसंख्यक समाज में विघटन तो पैदा कर ही दिया ना, आपस में घृणा तो बनाई दी, और वो घृणा जब तक रहेगी, वो दीवारें जब तक रहेंगी, तब तक ये देश आपस में ही टकराता रहेगा। विदेशियों से क्या लड़ोगे, कहां से शक्तिशाली हो जाओगे? इसलिए इन षड्यंत्रों को समझने की और इन षड्यंत्रों का जवाब देने की जरूरत है, नहीं तो भारत के टुकड़े होते रहेंगे। भारत के टुकड़े होने के अभी तो नारे लग रहे हैं, अभी तो सिर्फ नारे लग रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी तो सिर्फ भारत माता की जय बोलने से परहेज हो रहा है। एक दिन आएगा कि ये बात सत्य भी हो जाएगी। चाइना की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इस देश को 26 टुकड़ों में बांटने की तैयारी। कौन सहयोग करेंगे सोचिए। सोवियत संघ क्यों 16 देशों में टूटकर बिखर गया? क्यों बिखर गया? क्योंकि वहां भी एक अलग तरह का जातिवाद था। इथियोपियन सर्बियन से शादी नहीं करता, सर्बियन लिथुआनियन से नहीं करता, और इस तरह से उन 16 अलग अलग प्रांतों में रह रहे लोग एक राजनीतिक विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़कर एक देश एक संघ बन तो गए थे, लेकिन उनके अंदर अंदर के टकराव जारी थे। और थोड़ा सा मौका मिला गोर्बाचोव और येल्सिन के सहारे, अमेरिका ने अपनी पॉलिटिक्स सफल कर ली और आज वो देश 16 टुकड़ों में बिखरा हुआ है, जो देश की धरती की महाशक्ति होता था। अगर इस देश में जातियां एक एक इलाके में रह रही हो तो बताइए देश अपने आप टूटा हुआ है कि नहीं? इस देश को 26 टुकड़ों में बांटने का इंतजाम है, और सहयोग करेंगे हमारे अंदर के ही लोग जिनके मन में देश बाद में स्वार्थ पहले है, थोड़े से स्वार्थों के लिए। उन सारे जातिवादी आंदोलनों को चलाने वाले लोग कौन हैं? हमारे देश के ही लोग तो हैं। पैसा कहां से मिलता है, फंडिंग कहां से होती है एनजीओ की आड़ में? बाहर से। और हमारे ही देश के खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहे हैं, जड़ें काट रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा। सुसाइड करने की इच्छा होती है, एक साइकेट्री में बीमारी, इसी तरह अपनी आंखें फोड़ लेने की इच्छा होती है। 3 महीने पहले अभी एक ब्रिटेन की लड़की ने अपनी आंखें फोड़ ली, वही बीमारी थी उसको। क्यों भाई आंखें क्यों फोड़ रहा है? मुझे लगता है हिंदू समाज में यह इच्छा परमानेंट है, वो देखना ही नहीं चाहता कि उसका हित क्या है, अहित क्या है, क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, क्या साजिशें चल रही हैं, जानना नहीं चाहता। और बताओ तो छोड़ो ना यार, आईपीएल चल रहा है, देखते हैं जरा। तो आपके लिए देश में सत्ता परिवर्तन का जब समय आता है तब हम सिर्फ या तो जाति देखते हैं या ये देखते हैं उस पानीपत के दर्शक की तरह कि देखें कौन जीतता है। इस मनोभाव को तोड़िए। देश ने पहली बार विकास के मुद्दे पर वोट किया है इस लोकसभा में, सन 14 में 39% वोट है, वो भी सिर्फ अभी 39। इसको आप पूरे वोट का बहुमत नहीं कह सकते हैं, यानी अभी भी देशभक्ति के लिए, विकास के लिए, जाति और दूसरे मुद्दों से ऊपर उठ करके वोट देने का भाव इस देश में अभी और प्रबल करने की जरूरत है। इस देश में सत्ता पाने का कौन सा फार्मूला है? हिंदू समाज की एक या दो बड़ी जातियों को तोड़ो, अल्पसंख्यकों के एक बड़े वर्ग को जोड़ो और उसके बाद सत्ता पा जाओ, और फिर इसके लिए आप उनके हित में फिर जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। इस सारे षड्यंत्र को पहली बार किन कारणों से इस देश की जनता ने समझा, वो भी अभी 39% है, तो इस भाव को बढ़ाना होगा। हिंदू समाज, इस देश का बहुसंख्यक समाज जिसकी रूट्स इस देश में है, उसको सावधान होना है और अपनी नई पीढ़ी को अपने उस स्वाभिमान से जोड़ना है। क्या आपके बच्चे अपनी भाषा पर अभिमान करते हैं? आप उन्हें इंग्लिश पढ़ाइए, अच्छी अच्छी बढ़िया इंग्लिश बोल सकें इतनी पढ़ाइए, पर एक बात ध्यान रखना, अपनी भाषा मत भूलने देना। इस देश के लोगों ने अपराध यह नहीं किया कि अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई, अपराध यह किया कि इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने उनसे हिंदी मराठी गुजराती वगैरह में बातचीत बंद कर दी और उनकी थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश बन जाने दी। उसका परिणाम यह है कि वो अपनी रूट से कट जाते हैं। पर हमेशा ध्यान रखिए, आप कितना भी इंग्लिश पढ़ा लो अपने बच्चों को, आपके बच्चे कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएं, अमेरिकन से ज्यादा अच्छी बोलने लग जाएं, ब्रिटिश लोगों से ज्यादा अच्छी बोलने लग जाएं, हमेशा ध्यान रखना एक ब्रिटिश एक अमेरिकन कभी भी आपको अपने बराबर दर्जा नहीं देगा, आपसे छोटा मानेगा हमेशा।
नस्लवाद उनकी रग रग में भरा हुआ है, कूट कूट करके। वो स्किन के कलर के आधार पर दुनिया को तीन हिस्सों में बांटते हैं, व्हाइट पीपुल, ब्लैक पीपुल, कलर्ड पीपुल, जिसमें हम और आप आते हैं। वो कभी दूसरों को अपने बराबर दर्जा नहीं देंगे। आप बोलते रहना अंग्रेजी कितनी भी अच्छी, तो आप अपनी भाषा से तो कट गए, दूसरे की भाषा आप बहुत अच्छी बोल रहे हो वो आपको अपना मानता नहीं। कहां के हो? न घर के न घाट के। आप उन्हें साइंस पढ़ाइए, लेकिन कभी उनको अपनी फिलोसॉफी की भी तो कुछ बातें बताइए। वो फिलोसॉफी जो दुनिया में सारी दार्शनिक चिंतनाओं के ऊपर है और उनके मूल में है, बाकी सारी दार्शनिक विचारधाराएं उसी दार्शनिक विचारधारा को कोई एक कण लेकर के अपना विकास करती हैं। ये मैं दावे से कह रहा हूं आपको, सारी सारी फिलोसॉफीज की कंपेरेटिव स्टडी करने के बाद। अलेक्सिस कैरल नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं, उनकी एक किताब पढ़िएगा, मैन द अननोन। अलेक्सिस कैरल कहते हैं कि पूरी मॉडर्न साइंस कितनी भी खोज कर ले, एक क्वेश्चन हमेशा अनआंसर्ड रहेगा। हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि प्रोटोप्लाज्म से अमीबा बना, एक सेल वाला प्राणी, उसके बाद दो सेल वाला प्राणी, ये सब बनते बनते उस क्रम में नॉलेज कहां से पैदा हो जाती है? प्रोटोप्लाज्म में तो नॉलेज नहीं है, जैसे इस पोडियम में नॉलेज है, ये जानता है कि मैं हूं, इस माइक को पता है कि मैं हूं, इस कुर्सी को पता है जिस पर आप बैठे कि वो है, नहीं ना, हमको आपको पता है। तो ये जो ज्ञान रखने वाली सत्ता है ये कहां से पैदा हो जाती है? अगर प्रोटोप्लाज्म से, प्रकृति के जड़ तत्वों से ही ये चेतना बन गई तो प्रकृति में भी ज्ञान होना चाहिए। नेचर के किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान कहां से पैदा हो जाता है, कैसे क्रिएट हो जाता है, ज्ञान रखने वाली शक्ति कहां से पैदा हो जाती है? साइंस की लेबोरेटरी में ये प्रश्न कभी नहीं जाना जा सकेगा। इसका उत्तर कभी भी जानना हो आपको भारतीय ऋषियों के चरणों में जाकर बैठना पड़ेगा, उसके अलावा उत्तर कहीं भी नहीं है। जीवन के और जगत के जो गहरे प्रश्न हैं उनके उत्तर उन्होंने पहले से खोज कर रखे हैं। आप सिर्फ अपने लेबोरेटरी के प्रयोगों से उनको प्रूव करते जाओगे। और कभी भी इस धरती पर मनुष्य को शांति से जीना सीखना होगा, सुख और आनंद की प्राप्ति के तरीके सीखने होंगे, तो भी ऋषियों की शरण में जाना होगा। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। ये स्वाभिमान हमारे बच्चों में नहीं है, एक विदेशी महसूस करता है। बस इस स्व के, इस सेल्फ के, इस भाव, इस अभिमान को जगा दीजिए और तब देशभक्ति जागेगी और तब आपको भारत हमें जान से प्यारा है ये कहने की और बताने की जरूरत नहीं होगी, वो होगा ही।